अब बच्चों हम इंग्लिश का रिवीजन करेंगे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ये बहुत इजी टॉपिक है और एक बार पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं तुम लोग शुरू से ही ए बी सी डी ई एफ तो सब जानते होंगे तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स द लेटर ए ई आई ओ एंड यू इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड वॉवल्स ये पांच लेटर्स को हम लोग वॉवल्स कहते हैं ए आई ओ एंड यू ये पांच लेटर्स वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के रेस्ट जितने भी ट्वेंटी वन बचे वो कॉन्सोनेंट्स हैं कॉन्सोनेंट्स। द अदर लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबैट आर कॉल्ड कॉन्सोनेट्स A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Altogether there are 26 letters. There are 26 letters in एन इंग्लिश अल्फाबेट बट फाइव ए ई आई ओ एंड यू आर वॉवेल्स किसी भी मीनिंगफुल वर्ड को बनाने के लिए इसका बहुत बार जरूरत पड़ता है बिना इसके मुश्किल है बनाना इंग्लिश वर्ड इसलिए ये आप लोग को आने वाले ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी पढ़ना जरूरी है ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट आर देर फाइव वॉवल्स आर देर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसे कहते हैं यह आज हम देखते हैं फिल इन द बॉक्स यूजिंग वॉवेल्स ए आई ओ यू टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड मल्टीपल चौस क्वेश्चन मीस एक से अधिक ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से एक जो एकदम करेक्ट होगा वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है जो ब्लैंक दिया रहेगा उसमें भरना है एस डैस टी इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को डाल करके देखते हैं क्या ये करेक्ट है एस आई टी सीट सीट मीन्स बैठना ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो यहाँ हम लोग आई को ही डालेंगे अब दूसरे ऑप्शन को भी डाल करके देख लेते हैं एस बी टी ये कोई सुटेबल वर्ड या मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना इसलिए हम लोग बी नहीं डालेंगे एस बी टी ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है इसलिए डी भी हम लोग नहीं डालेंगे यहाँ एक्यूरेट मीनिंगफुल एस आई टी सीट सीट मीन बैठना ही हो रहा है इसलिए हम लोग आई डालेंगे सेकेंड सी डैस पी सी डैस पी इसमें ए को लिखने का कोशिश करेंगे क्या ए से मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं सी ए पी कैप बन रहे हैं तो यहाँ ए लिखेंगे अब सेकंड वाले को भी आजमाते हैं ई पी सेप ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है इसलिए ई को नहीं लिखेंगे आई सी आई पी सिप ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट ए लग रहा है इसलिए सी ए पी कैप ही लिखेंगे उसी तरह पी डैश जी एन डैश टी ये नीचे जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है उसको देख करके सोचेंगे कौन करेक्ट है एल डैश जी टी डैश जी पी एच डैश एन सी डैस बी एल डैस पी सी डैस टी इस तरह के ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसका आंसर आपको देना है और इसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं आप लोग ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस कीजिएगा थैंक यू